अपने हमारे मुसलमान भाई कुछ यहाँ पर है, मैं हमेशा उनसे बातचीत करते समय प्राइवेट में बात करता हूँ कि लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह क्या होता है? मोदी जी के नाम से डरा, अभी मोदी जी के नाम से डरा नहीं चले, अभी कांग्रेस इस मोदी जी के नाम से हमारे मुसलमान भाई को डराते हैं। मुसलमान भाइयों को भावना में बह के करते हैं तो रोकना पड़ेगा कि विकास के लिए सबको वोट करने की आवश्यकता है। ओपन टेंडर में कोई भरना चल पक्षर, इससे पहले जब टेंडर था दूसरा भी टेंडर निकला था उसमें कोई भरा, टाटा भरे, बिरला भरे, ऐसे डायरेक्ट तो किसी दे सकते नहीं। तो जब भी इंटरेस्ट खत्म होता है और जब टेंडर जब भी निकलेगा गवर्नमेंट बोलेगी आओ किसको भरना है, तो फिर जिसको लगेगा उसको लग जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री की नीतियाँ है, वो नीतियाँ के ऊपर काम करते हुए और इसीलिए हमारा चंद्रयान, उन्होंने हमारे इसरो के चीफ ने कहा कि हम लोगों ने 600 करोड़ में भेजा, लेकिन 600 करोड़ में कैसे भेजा ये मैं नहीं बताऊंगा। आए पॉइंट एंड पॉइंट हर यदि इंडिया एक ही होता, लेकिन इंडिया में पॉइंट पॉइंट जो पूरे पार्टी एक होके मोदी जी को कैसे बदनाम करने का खाली जो संकल्प लिए उसका जवाब के देने का वो वार रूम के माध्यम से देंगे। फिलहाल पार्टी का एक ही मकसद है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुमत संख्या से MP चुन के लाना है और फिर देश को मजबूत करना। अभी चंद्रमा में इतना अच्छा चंद्रयान 3 इतना अच्छे से हुआ है, उसको तारीफ करने के बजे उधर ही मोदी जी को, मोदी देश के प्रधानमंत्री है, अपने देश के सब करता धरता वही है, तो उनकी एक भी तारीफ नहीं उनकी बुराई करते, बोला ऐसे सोच के लोग हैं तो ये भारत का अच्छा क्यों सोचेगा नहीं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब सभी पार्टी दल के लोग अपनी कमर को कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज एक वार रूम का उद्घाटन भिवंडी लोकसभा के सांसद और केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल के हाथों से यहां पर रिबन काटा गया। और आपको लोकेशन हम आपको बता दें कि भिवंडी के कल्याण नगर विजय सेल्स के 3rd मंजिले की इमारत पर जो है भिवंडी पूर्व विधानसभा का जो वार रूम है यानी कि उसका उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री के हाथों से किया गया। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिस सभा में आपको बता दें कि आने वाले चुनाव को लेकर चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, लोकसभा का या फिर विधानसभा का, इन सभी चुनाव को लेकर किस तरह से जो है नीतियाँ और रणनीतियाँ तैयार की गई है उसको लेकर यहाँ पर केंद्रीय पंचायत मंत्री कपिल पाटिल और भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले और भाजपा के भिवंडी सर जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल के साथ में यहाँ पर जो मान्यवर मौजूद थे सभी लोगों ने अपनी राय रखी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उद्घाटन समारोह में किस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर एक खुशियाँ दिखाई दी, एक दूसरे का सम्मान किया गया। खासकर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ में पूर्व कई नगर सेवक भी यहाँ पर मौजूद थे। इस बीच आपको बता दें कि इस बार रूम से जनता को किस तरह का फायदा होने वाला है इसको लेकर आए हुए मान्यवर अपने विचार प्रकट किए, क्या कहा आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो वार रूम का उद्घाटन हुआ इसे मैं जाहिर करता हूँ और आने वाले 2024 के वार को इस वार रूम से संतोष शेट्टी जीते ऐसे हम सब की तरफ से संतोष शेट्टी को शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है ये कभी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है, जिस दिन वोटिंग हो जाता है दूसरे दिन फिर से इलेक्शन मोड में आती है, तो इसके लिए वार करना तो जरूरी होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वार रूम होता है। अभी संतोष शेट्टी ने कहा कि आप कहाँ कहाँ से फंड आते हो भिवंडी के विकास के लिए, उसका क्रेडिट कोई और लेता है, इसीलिए वारूम है कि कोई क्रेडिट ना दे, हम जो काम करते हैं वारूम से जनता तक पहुँचे, इसलिए वारूम बनाने का सुझाव हमारी पार्टी देती है। मैं आपको कहना चाहूँगा एक तो 3-4 दिन पहले मैं सूरत में गया था, गुजरात के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
सीआर पाटिल उनका वार्डन उनकी तारीफ है प्रधानमंत्री जी करते हैं उनके वार्ड में, तो वार्डन देखने गया था मेरे साथ भिवड़ी से कई लोग चले थे, राजू था, विशाल था और पंकज थे, मुझे याद थे वैभव था, वो जो वार्डन हम लोगों ने देखा वो वार्डन अगर सेटअप कर दिया ना तो किसी को भी चुनाव में कोई हरा नहीं सकता। आपको मैं बताना चाहूँगा गुजरात के चुनाव में 154 सीटें हम लोग विधानसभा में जीते। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष बोलते थे कि कम से कम 160 सीटें जीतेंगे, तो उन्होंने कहा हमको कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और मुझे कहा सीआर तुझे ज्यादा नहीं होना है क्या, थोड़ा सा समझ के बोलो। तो सीआर पाटिल ने प्रधानमंत्री जी को कहा 1930 का वो टारगेट को 100% पूरा हमारे मोदी जी के नेतृत्व में होगा, जो होगा क्योंकि ये 9 साल में जो काम के माध्यम से विश्वास निर्माण हुआ है तो एक बात वो है। दूसरी बात अभी कल की है और ये वार रूम और हमारे सोशल मीडिया का देखने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में रहने वाले उनको सतर्क रहना है कि कल हमारा चंद्रयान चांद पे उतरा, डिविजन कांग्रेस अध्यक्ष का स्टेटमेंट क्या आया 1967 में पंडित नेहरू ने इसरो को बनाया इसलिए इसका सारा श्रेय पंडित नेहरू का है, उसमें हमारे शरद पवार साहब भी घुस गए उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दिया। फिर अखिलेश यादव भी हैं वो खुद को हमारे मुसलमान भाइयों का मसीहा समझते हैं, उन्होंने इतना ही लिखा चांद मुबारक इसको ये कुछ नहीं। अभी कल मेरे दिल्ली के घर पे मैं श्रीनगर से दिल्ली आया, कल सारे पत्रकारों ने वहाँ घेरा मुझे एक एक माइक दे रहे, उन्होंने मुझे से सवाल पूछा कि सोनिया गांधी ने खाली इसरो के चीफ को जनरल लिखा प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। दूसरा सवाल उनका था जिन्होंने खड़गे जी ने कहा कि ये पंडित नेहरू का श्रेय और अखिलेश यादव, मैं बोला जैसा उनका सवाल है ना उसी हिसाब से मैं जवाब दे। मैंने उनको कहा जहाँ पे मोदी जी बैठे हैं पूरे विश्व के नेताओं ने मोदी जी को बधाई दी, हमारे राष्ट्रपति को बधाई दी, तो सोनिया गांधी के बधाई के ऊपर थोड़ी हमारे प्रधानमंत्री है तो नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, पूरे विश्व ने दे दी कोई गिनता नहीं है। अभी खड़गे और शरद पवार साहब ने ये कहा तो मैंने उसका जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा, आपके सारे हमारे लोगों ने उसको वायरल करना चाहिए। मैंने कहा ये क्या उन्होंने बोला कि इसरो बनाया पंडित नेहरू ने इसलिए उनका श्रेय, मैंने कहा पार्लियामेंट बनाया ब्रिटिशों ने तो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ तो सारा क्रेडिट ब्रिटिशों को देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने तो बनाया 1911 में शुरू किया और 1921 में उसका उद्घाटन हुआ, फिर कांग्रेस के काल से जितना भी काम हुआ है सारा ब्रिटिशों ने किया, यही फार्मूला अगर वापरेंगे तो ऐसा होता है क्या। अरे प्रधानमंत्री की अपनी नीतियाँ होती है, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियाँ है वो नीतियाँ के ऊपर काम करते हैं और इसीलिए हमारा चंद्रयान उन्होंने हमारे इसरो के चीफ ने कहा कि हम लोगों ने 600 करोड़ में भेजा लेकिन 600 करोड़ में कैसे भेजा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उन्होंने कहा कि ये जो है इसका कैलकुलेशन किसी ने किया है कि हम लोग अगर इनोवा वाले से लेते हैं तो 22 रुपए किलोमीटर इनोवा चलती है, बराबर ना, तो हमारा जो इसरो यान गया वो 16 रुपए किलोमीटर से गया, कितना रुपए किलोमीटर इनोवा से भी सस्ता, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ। और फिर अखिलेश जी ने कहा चार मुबारक, मुझे पत्रकारों ने कहा इसके ऊपर क्या कहोगे, मैंने कहा कि मैं भी एक ही लाइन में बोलूंगा कि होगा किसी के झंडे में चांद लेकिन हमारा तिरंगा तो अभी चांद पर है। और खाली चांद पर नहीं, जो अमेरिका नहीं कर पाई, चाइना नहीं कर पाई, जापान नहीं कर पाई, ये तीनों का यान गया चंद्र पर, लेकिन दक्षिण ध्रुव के ऊपर
आज तक किसी ने चांद को भेजने की हिम्मत नहीं की थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इसरो के सारे साथियों ने भेजा और वो सक्सेस हुआ, ये हमारे भारत की नहीं है। इसलिए तो मैं कभी कहते रहता हूँ सब जगह पे, मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी कहा था जब एनडीए की मीटिंग, मैंने कहा था कि अभी दुनिया ये हमारे युवा किस तरह से बोलती है, एक खिड़की खोल कर देखने दो मुझे, मेरे देश की नई तस्वीर बन रही है। पहले तो सरकारी गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा। हम ये तो दावा नहीं करेंगे कि मोदी जी ने सारे देश का कचरा साफ कर दिया, लेकिन ये दावा जरूर कर सकते हैं कि मोदी जी ने सारे देश का कचरा पटना में, बेंगलोर में, अभी मुंबई में इकट्ठा कर दिया, अभी उठा के फेंकना आपकी जिम्मेदारी। अभी 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, अभी किसी ने यहाँ पे कहा कि विपक्ष के गठबंधन को उनका कभी नाम पूरा मैं गर्व लगता है हर्षद ने पूरा नाम लेने का ही आई फुल स्टॉप, एम फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप। अभी अगर फुल स्टॉप इतने स्पीड ब्रेकर है तो 2024 में पार्लियामेंट तक पूछ सकते हैं कहो हमारा गठबंधन क्या NDA क्या है NDA बताए किसको, हम क्यों पहुंचेंगे NDA। हमारे गठबंधन में ही नरेंद्र दामोदर दास है, भारतीय जनता पार्टी और खाली नरेंद्र दामोदर दास नहीं है, हमारे गठबंधन का नाम NDA है तो साथ में अमित भी है। तो ये गठबंधन इसको जगह से हिलाने की ताकत आज के तारीख में किसी भी पार्टी में नहीं है, और ये मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भाषण में हमारे NDA की बैठक हुई थी महाराष्ट्र सदन में दिल्ली में, उस वक्त ये बात मैंने वहाँ पे कही थी और प्रधानमंत्री भी ताली बजा रहे थे, अमित शाह भी ताली बजा रहे थे। ये वार रूम के माध्यम से संतोष शेट्टी की टीम, हमारे कार्यकर्ता इस तरह से जुड़े कि हमारे देश में मोदी जी ने जो काम किया है, राज्य में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत दादा के नेतृत्व में राज्य सरकार जो काम कर रही है, मैंने कुछ काम किया होगा, महेश ने किया होगा, संतोष ने किया होगा, कुछ हमारे नगर सेवक लोगों ने किया होगा, ये सारे कामों को जनता के सामने लाने का काम इस वार्ड के माध्यम से करने की आवश्यकता है। आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, आज पूर्व विधानसभा में जो है यहाँ पर एक वार कह सकते हैं कि फॉरम का यहाँ पर उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री जी के हाथों से, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा नेतृत्व जो है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है, आज जो पश्चिम हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं संतोष जी शेट्टी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, क्या कहते हैं पूरे महाराष्ट्र में ऐसे वार रूम बनाए जाए जो जो विधानसभा है उसमें बना रही है, तो ये भी पूरब में भी हुआ पश्चिम में भी हुआ, लेकिन ये संतोष शेट्टी के माध्यम से ये वार रूम संतोष शेट्टी जिम्मेदारी दिए उसके माध्यम से वार रूम की तैयारी हो, क्या आने वाले इलेक्शन खासदार की हो आमदार की हो उसकी ये तैयारी है, क्योंकि वक्त पे उतरना ये बराबर नहीं है। आज लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है, ये हर चीज़ ये वार रूम से होने वाली है, नाम बढ़ाना है, नाम घटाना है, आने वाले इसमें फॉर्म भरना है, लोगों पे जाना है, पैम्पलेट मारना, कई सारे इलेक्शन में काम रहते वो ये वार रूम के माध्यम से होते हैं, और ये पार्टी का सिस्टम है, ये पार्टी ने किया। आज तक अपन कई योजनाएं हैं जो लोगों तक ऐसे ही जा के पहुंचाते थे, अभी इलेक्शन का दौर है तो थोड़े इलेक्शन का भी काम करना चाहिए, वो माध्यम से ये वार रूम का उद्घाटन किया है, और आने वाले इसमें सब इच्छुक है, हमारे संतोष शेट्टी अन्ना भी इच्छुक है, हमारी सबकी शुभकामनाएं उनको कि उनको भी एक बार आमदार बनाने के लिए हम पूरी तैयारी और कमर कसे और उनको एक बार आमदार बनाए, इसके लिए भी ये वार रूम है। आमदार तो ऐसा नहीं कुछ पढ़ाई करेगा ही नहीं तो कुछ बनेगा नहीं, तो आज वो उनकी तैयारी कर रहे, एक जोर से तैयारी करते और एक अच्छा रिजल्ट आएगा है हमको ऐसा लगता है। सबसे पहले तो मैं संतोष अन्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उन्होंने भिवंडी में
भिवंडी पूर्व विधानसभा के वो निवडणूक प्रमुख है और उनके माध्यम से आज ये वॉर रूम शुरू हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एमएलए की, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वॉर रूम होने जा रहा है। भिवंडी में भी पूर्व विधानसभा में हुआ, पश्चिम विधानसभा और जिला का भी एक वॉर रूम होगा। तो तीन वॉर रूम भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी के होंगे। ये सभी वॉर रूम हमारे प्रदेश से कनेक्ट होंगे और प्रदेश के बाद ये हमारे सेंट्रल से कनेक्ट होंगे। अभी जो मोदी हमारे चुनाव आ रहा है लोकसभा का, लोकसभा चुनाव के लिए ये सभी तैयारी सब शुरू है और यही तैयारी फिर आगे विधानसभा चुनाव के लिए भी यही तैयारी रहेंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्टी को बढ़ाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन एक जानकारी हमें ये मिली है कि भिवंडी उत्तर मंडल के जो रोहन कोंडेलकर, इन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आप तक के यहाँ तक के जिन्होंने पार्टी के जो पद थे इस्तीफा देने की बात कही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने आप को मजबूती के लिए कार्यकर्ता जोड़ो जो है मुहिम चला रही है, लेकिन एक पदाधिकारी जो है अपने पद से इस्तीफा देने पर क्या कहना? नहीं देखो, इस्तीफा उन्होंने जो दिया वो वैयक्तिक, मेरे पास कोई ऐसा इस्तीफा उन्होंने कुछ हार्ड कॉपी ऐसी लाके नहीं दी। मुझे भी जानकारी मिली कि वो इस्तीफा दे रहे, तो वो वैयक्तिक उनका कुछ रीज़न होगा कि कोई किसके वजह से वो इस्तीफा दे रहे, ऐसा कुछ तो मैं समझता नहीं हूँ। मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर उन्होंने गंभीर कोई भी नाराज़गी, हर इसके होता है, पद में होती है, कुछ लोग इधर आते हैं जाते हैं तो थोड़ी नाराज़गी है, और वो हमारा ही लड़का है, उसको समझाएंगे, नया खून है, हम समझा के उसको हमने साथ लेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। अन्ना क्या कहेंगे, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कसी हुई है और यहाँ पर आज जो वार रूम का जो उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री के हाथों से, जानकारी देंगे कि किस तरह से आपका नियोजन है और क्या कहना चाहेंगे इस जितनी खूबसूरती से हम कह सकते हैं कि वार रूम में तैयार किया गया? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और इस संगठन के हिसाब से चलता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी, इनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में माँ विजय अभियान 2024, जैसे 2014 में एक अभियान चला, 2019 में अभियान चला और उससे बढ़ के ये कार्यकर्ता हर बार बढ़ते गए, तो आज ये दो माँ विजय 2024 जो नियोजन है ये महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में, हमारे पदाधिकारी बावनकुले जी, हमारे मंत्री कवि पाटिल साहब, हमारे आमदार महेश चोगले, हर्षल पाटिल और पूरे भारत में ये नियोजन चालू है कि हर बूथ में कैसे तक पहुँचे। भिवंडी की बीजेपी की मेन जो रीड है वो बूथ ही है, तो आज जो भिवंडी में विधानसभा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, भिवंडी में दो आमदार हैं, महेश चोगले जी, और विधानसभा जहाँ पे आमदार नहीं है वहाँ पे विधानसभा प्रमुख करके एक जिम्मेदारी दी गई है, और जैसे एक विधानसभा कैसे चुन के आना चाहिए, जब विधानसभा में हम लीड मारेंगे 51 का टारगेट पूरा करेंगे 51% का, तो हमें खाद्यान्न की में कोई तकलीफ होएगा नहीं। तो एक न्यूज ऐसे का हर बूथ में 51% का वोट हमें चाहिए। भिवंडी में भी वार रूम के माध्यम से आज 14 लोग वार में बैठे हैं, उसके माध्यम से हर बूथ में कैसे पहुँचे और कैसे नए वोट बढ़ाए, कैसे वोटर अपने फिर से देश में अगर प्रधानमंत्री को बैठाना है, देश को मजबूत करना है, तो मोदी जी को कैसे आगे फिर चुन के लाना है, वो चुन के आएगी, लेकिन प्लान के माध्यम से कि जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन फिर हमारे देश के, जैसे अमित शाह ने कहा था 300+, ऐसे नड्डा जी बोलेंगे 350+। किस बेस पे? इस बेस पे। आप तुम देखो, आप ऑफिस घूम के हमारा वार रूम देखे, बूथ तो बूथ से बूथ कैसे कॉन्टेक्ट करे, और दूसरा वार रूम ऐसा वार रूम मतलब क्या, तलवार लेके वार रूम लड़ाने, ये जो झूठे झूठे जो बातें जो आए पॉइंट एंड पॉइंट हर जैसे इंडिया एक ही होता है, लेकिन इंडिया में पॉइंट पॉइंट जो पूरे पार्टी एक होके मोदी जी को कैसे बदनाम करने का खाली जो संकल्प लिए उसका जवाब के देने का वो वार रूम के माध्यम से देखे। जैसे भिवंडी में ले लो, भिवंडी में नगर पालिका के विषय हो, भिवंडी विधानसभा का विषय हो, हमारे खासदार कवि पाटिल साहब कितने निधि लाते, हमारे आमदार महेश चोगले आज तक का सबसे ज़्यादा निधि लाना आमदार है,
और जो कोई लाते नहीं है वो बातें करते, उनको जवाब के देने का इस वार रूम के माध्यम से ये सब होगा। इस वार रूम से जनता को क्या फायदा? इस वार रूम से जनता को ये फायदा है कि वार रूम से माध्यम से हम बूथ वाइज पहुँचेंगे, हर बूथ में कौन क्या तकलीफ है, गवर्नमेंट की स्कीम कैसे वहाँ तक पहुँचे, 60 साल 65 साल का जो बुजुर्ग है उसको 1000 रुपये कैसे पहुँचे, आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो घर तक कैसे पहुँचे, राशन कार्ड कैसे उपलब्ध करे, तो बूथ के माध्यम से एक एक वोटर का एड्रेस के साथ हम उनके संपर्क में जाएंगे। सरल ऐप के माध्यम से 60,000 जैसे विधानसभा पूरब 60,000 लोग को हम लोग जोड़ रहे, जिसकी शुरुआत हो गई है। ये 60,000 जिस दिन हमसे जुड़ जाएंगे सरल ऐप के माध्यम से उनके नाम के साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी स्कीम है उनको घर बैठे मान पड़ेगा। यानी कि केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो आप घर तक पहुँचेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमने एक चीज़ देखा कि पूरब और पश्चिम की जो मतलब पश्चिम की जो विधायक हैं भाजपा के, कि पूरब में जो है आपके नाम की घोषणा की गई कि आगामी चुनाव में आप चुनावी उम्मीदवार फिर से एक बार जनता के बीच में विधायक के रूप में मतलब विधायक की चुनाव में मैदान उतरेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि आज मंत्री जी ने यहाँ से मंच पर उन्होंने आपका नाम लेकर घोषित किया। देखो, सबसे पहले हम सभी पार्टी के जितने लोग हैं और भारत को जितने चार लोग हैं, भारत को आगे बढ़ने का जो सबका सपना है, तो सबसे पहले मोदी जी को पीछे प्रधानमंत्री रिकॉर्ड वाला काम करें। अभी हमको हर बार 14 का रिकॉर्ड 19 में तोड़ा, 19 का रिकॉर्ड 24 में तोड़ना है, वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काम है, वो तो बैठेंगे इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन रिकॉर्ड सीट से उनको चुन के लाना है। और विधानसभा का जो तैयारी प्रदेश ने हमें जो पोस्ट दिया है यही तैयारी है कि उन्हें 288 सीट में कैसे लड़े, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार, इनकी पूरी पार्टी को लेके, और भिवंडी विधानसभा भी खासदार भी थर्ड मारेंगे, हमारे मोदी जी भी फिर से बैठेंगे, आमदार महेश भी चुन के आएगा, और ये जो विधानसभा है पूरब ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें उम्मीदवार आगे चुन के आएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सॉरी यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की साथ में देखा जाए संजय गठ है, राष्ट्रवादी की गठजुटी हुई है, फिर भाजपा है, सभी तीनों मतलब यहाँ पर पार्टी एकजुट है, और उम्मीदवार की जब बात आएगी तो यहाँ पर अगर वो भी अपनी दावेदार रखते हैं तो इस पर आपकी क्या कहना है? क्योंकि आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं इसके पहले भी, और इसके पहले भी हमने देखा कि आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं में थे आप, लेकिन कांग्रेस के चुनावी चिन्ह पर थे। अगर कहीं ऐसा होता है कि अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या है? तो पार्टी जो कहेगी वही करेंगे, पार्टी जो नियोजन में काम करेगी, पार्टी अगर मुझे बोलेगी लड़ तो लड़, पार्टी में दूसरों को मदद कर। फिलहाल पार्टी का एक ही मकसद है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुमत संख्या से MP चुन के लाना है और फिर देश को मजबूत करना है।